तो फाइनली जो है कि दोस्तों अभी घर पे पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये रहा पुल, ये जो है कि दोस्तों मोर की छोटी बहन है। आप देखिए दोस्तों, देख सकते हो ये वाली जो है कि मोर की माँ है। तो अभी जो है कि भाई दोस्तों हमारी ब्यूटी की जो है कि बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो अभी इसका जो है कि हम ब्यूटी का करवाने वाले हैं मुंडन। फिलहाल जो है कि धूप ज्यादा है तो थोड़े दिन रहने देते हैं, फिर बाद में जो है कि हमारी ब्यूटी जो है उसका करवा देंगे मुंडन। फिलहाल जो है कि दोस्तों गाय जो है उनको वाड़ा के अंदर छोड़ दिया है, और कल जो है कि हम फ्लावर भर के लेके आए थे, लेकिन कल शाम को जो है कि गाय ने इतना खाया नहीं था, क्योंकि खेतों में लेके गए थे ऑलरेडी, खेतों में ये जो है कि पेट भर के आ गए थे। यहाँ आने के बाद जो है कि फिर इन्होंने बहुत किया नखरा, फिर जो है कि ये खाया ही नहीं, और रात को जो है कि गाय फिर भूखी थी, क्योंकि शाम को आने के बाद जो है कि हमने दूसरा कोई चारा भर के लाया नहीं थे, तो फिर फ्लावर खाया ही नहीं। रात भर जो है कि फिर पेट में गुडुड़ गुडुड़ कर रहे थे, क्योंकि मैं बाहर सोया था तो आवाज़ कर रही थी। सुबह जो है कि आज जल्दी छोड़ दिया और उनको बोला कि भाई आज ये फ्लावर मत लेके आओ, क्योंकि ये जब भूखे पेट होते हैं तभी खाते, अगर थोड़ा बहुत पेट भरा हुआ होता है तो इनको जो है ना दोस्तों कड़वा लगता है तो नहीं खाते, लेकिन फिलहाल जो है कि अभी सब टूट पड़े हैं, कोई तो फिर भी नहीं खा रही है। देखो ये नहीं खा रहे, जो जो पशु आहार खा के आए हैं वो नहीं खा रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? आई होप आप सब मौज में हो, अगर मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल जो है कि आज का सीन कुछ ये है कि आज हमें लेने जाना है कांकरेज बुल। अभी बुल कहाँ पे लेने जाना है वो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा, और आज आने वाला है। अब जो है कि पूरा यहाँ का काम निपटा के फिर जो है कि पोपट मामा की बोलेरो लेके चलते हैं और कांकरेज बुल जो है उसे लेके आते हैं। फिलहाल तो जो है कि भाई अपनी मोर जो है उसने अभी तक हिट तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी सुरेश भाई को मैंने बोला कि लेके आते हैं, कुछ दिन यहीं पे रहने देंगे उसको, क्या दिक्कत हो रही है। तो सुरेश भाई बोले ठीक है यार ऐसा करते हैं। और आप सबने भाई भर भर के कमेंट की थी कि जगदीश भाई आप जाके लेके आओ लेके आओ, तो मेरा दिल खुश हो गया। सुरेश भाई तो मना कर रहा था, बोले नहीं इससे बिल्डिंग करवाएंगे गोटिया से, मैंने बोला नहीं इससे नहीं इससे ही करवाएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों की कमेंट थी कि लेके आओ, तो फाइनली लेके आएंगे। वैसे जो है कि मोर ने हिट छोड़ दी है, नेक्स्ट टाइम जब भी हिट पे आएंगे तब बिल्डिंग करवाएंगे, लेकिन ला के रखेंगे। क्या है दोस्तों, ये मुझे डराने के लिए आया है, ये देखो उतना दूर से यहाँ मेरे पास आके देखो कैसा कर रहे हैं। डराने की ट्रिक जो है कि भाई ये अभी पुरानी हो गई है, ये देखो। लेकिन दोस्तों भरोसा नहीं कर सकते, उठा के पटक भी सकती है। फिलहाल जो है कि अपनी एक बछड़ी जो है कि भाई एकदम भयंकर वाली बीमार पड़ गई है, ये देखिए क्या हो गया पता नहीं उसको, लेकिन बीमार पड़ गई है। तो अभी डॉक्टर बोला कि इसका भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया। कल दिन भर तो जो है कि आराम से खाना खा रही थी, लेकिन अभी सुबह आके देखा तो भैया ऐसी दिक्कत है, कुछ खा नहीं रही है, बैठ गई है। तो आज जो है जिसका भी डॉक्टर ला के जो है कि उसका भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा आज, चलो देखते हैं उसका फिर बाद में। कल जो है कि दोस्तों इन सब गायों की इतनी फाइट हुई, कोई किसको मार रहा है कोई किसको मार रहा है, बहुत सारी फाइट हुई थी। सुबड़े तो ये जो है कि टेढ़ा कर दिया था, कल जो है कि एक गाय को सीधा यहाँ पे लाके धकेल दिया, तो ये देखो पूरा का पूरा टेढ़ा कर दिया, यहाँ पे फाड़ दिया। ये भी अभी ठीक करना पड़ेगा, नए वाली जो है कि फाड़ दी है, वो साइड नई है, ये साइड पुरानी वाली है, तो डबल है, तो वो भी फाड़ दी। तो अभी जो है कि इतना ए सी डालते हैं, फटाफट से यहाँ का जितना भी काम है वो फटाफट से निपटाते हैं, फिर जो है कि यहाँ से चलते हैं। बाकी दूसरी तरफ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा फट गया तो सीधे अंगूर के बगीचे में, तो ये फटाफट से ठीक कर डालते हैं। अब ये देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इनके नाटक देखो, हाज हाद है भाई। चलो ये कर दिया है ठीक, लेकिन अभी अभी जो है कि वो वाला गिरा दिया, इसमें दो गाय की फाइट हो गए, उधर जाके गिरा दिया। ये देखो ऐसा करके फिर जो है कि इसके साथ धड़क दे के ये तोड़ डालते हैं। हद है भाई, इनका बहुत नाटक हो गया, अभी सबको है ना लाठी से मारना पड़ेगा। हट, ये देखो अभी गिराया ये। फिर आप बोल रहे हो यार इनके लिए छाँव नहीं करते, ये बहुत झगड़े करते हैं अंदरों अंदर। अभी ये देखो यहाँ भी तोड़ दिया, क्या करे फिर इन गायों का, ये हम रात दिन इतना करते हैं और ये देखिए ऐसे झगड़े करके सब तोड़ ताड़ करते हैं ना, फिर बहुत गुस्सा आता है। खाने के लिए भी पड़ा है, चराने के लिए लेके जाना है। अभी जो है कि इनको एक राउंड लगवा के आते हैं, राउंड लगवा के आने के बाद जो है थोड़ा जो है कि इनको खेतों में घुमा के लाते हैं, फिर चलते हैं बुल लेने के लिए। कल जो है कि दोस्तों हमें जाना है ए साइड, और गाय जो है कि यहाँ पे रास्ता नहीं, तो ऐसे घूम के सुरेश भाई बोल रहा है कि आ जाएंगे तू आ जा, अभी देखते हैं दोस्तों आते हैं यहाँ, क्योंकि गाय के पास कोई नहीं है अभी। और देखो सामने रहा सुरेश भाई और मैं यहाँ पे, गाय के पास कोई नहीं है अभी, देखते हैं गाय घूम के आती है यहाँ, क्योंकि वो साइड पानी है घास है बहुत कुछ है,
सूरज भाई बोलता है आ जाएंगे, मैंने बोला ठीक है चलो फिर। रास्ते पे तो एक भी गाय नहीं, ओ आ गए गाय। कहाँ पे तू गाय का देख, आ गए दोस्तों। चल तो, ओ अरे आ गए भाई, सब गाय आ गए। अब जो है कि हम यहाँ से आगे चलेंगे और गाय की स्पीड देखना आप कितनी स्पीड से आते हो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गाड़ी आ रही है, चल देंगे आ जाएंगे भाई। दो सिंह निकाल के बोले को किधर से है तुम्हारा धंधे ऐसे यार कर। गई कहाँ से है महेश भाई, भाग जल्दी भाग 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 भाग, अरे उधर से निकाल ले अंदर गिर जाएंगी वो। उगे उधर से रास्ता है भाई, अरे बोले अपना जा अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। तेरे से डरेंगे नहीं तो रुक जाएंगे वो, पकड़ के लेके वो सामने से उधर से निकाल ले, पता नहीं कहाँ से निकल गए यार। तो फाइनल जो है कि दोस्तों अभी आ गए हम गाय चार के घर पे, लेकिन अभी बहुत जबरदस्त वाला भाई धूप है कि पूछो है मत। नहाने का है पर लाइट नहीं है, लाइट भी चली गई है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि जिस भाई के पास से हमें बुल लाना है वो भाई को कॉल किया, तो वो बोले भाई आप शाम को 5 बजे आ जाओ। मैंने बोला ठीक है अभी देखते हैं शाम को, अगर तो अभी 5 बजे चल। तू मेरा इज्जत का फायदा क्यों करता है रे, अब चुप बैठ, बिल्कुल चुप बैठ, चुप बैठने का, चुप बैठने का, चुप बैठने का। तो अब जो है कि तो अभी शाम को जाएंगे बुल लेके आएंगे दोस्तों। अब जो है कि एक साल बाद ये ब्लॉग करेंगे, एक साल बाद जो है कि दोस्तों ये ब्लॉग करेंगे 100%। फिर हमारा सुरेश भाई ब्लॉग करेगा, सुरेश भाई भी ब्लॉग करेंगे। सुरेश भाई का गुजराती ब्लॉग कब आने वाला है, परसों के दिन। हाँ एक दो दिन में सुरेश भाई का गुजराती ब्लॉग भी आ जाएगा। हाँ हाँ वो बोल रहे हैं इसकी भाषा जो समझ रहे हो कमेंट कर दो। इसकी भाषा कोई समझ नहीं पाएगा, आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ दोस्तों, तो आप क्या समझ पाओगे। अरे मार मत उसको दोस्तों, इसको बहुत पीटता है, लेकिन इसमें ना गलती इसकी होती, ये बंदा जो है ना अभी देख रहा अब यो, ओ, मिट्टी खा जाता ना, तो अब खाना खाता ना उसमें पैर रख देता आगे। अभी यहाँ पे खाना खाना तो उसमें आके पैर रख देता है, बहुत जो है ना भाई इतना शरारती है भाई, बच्चा है भाई। अभी देखना बच्चा, अरे बहुत दिन भर मेरे को परेशान करता है ये। तू गाड़ी लेके आया पोपट मामा की, आगे चलो तो फटाफट से खाना खा लो। तो फाइनली जो है कि दोस्तों गाड़ी जो है कि आगे हो रहे हैं पोपट मामा के सामने गाड़ी, और अभी चलते हैं बुल लेने के लिए। और फाइनली जो है कि आज बुल आ जाएगा कांकरेज, वेट करो। बुल तो आप सबने देखा है लेकिन आप सबको याद नहीं है, कुछ कुछ दोस्तों को याद आ गया है लेकिन कुछ कुछ को नहीं आया है, क्योंकि आज तक नासिक के अंदर हमने सिर्फ वही एक ही कांकरेज बुल जो है कि दिखाया है, उसके अलावा कोई बुल है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कि दोस्तों तोड़ दिया था हरी भाई ने, अभी एक सपोर्ट लगा दिया है, तो आज कल ये भी ठीक करना पड़ेगा। और जबरदस्त वाला दोस्तों आज धूप था, पानी भर दिया महेश भाई फुल। ओके चलो चलो दोस्तों, तभी जो है कि फटाफट से चलते हैं गाय महेश भाई और हरी भाई बांधेंगे, मैं और सुरेश भाई चलते हैं फटाफट से बुल लेके आते हैं। वो कहाँ गया, और ये देखो 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 इसमें पैर डाल देता है, फिर बाद में आप बोलते हैं कि इसको मारता है, इसको मारा नहीं तो क्या कर। ये देखो उसकी शरारत देखो, दिख रहा है ऐसा, देख रहा है उसका चाचू है ऐसा घूर रहा हूँ। चलो दोस्तों, तो अभी जो है कि फटाफट से निकलते हैं और बुल जो है उसे लेके आते हैं।
ये रही पोपट मामा की गाड़ी ड्राइव करने के लिए जो है कि भाई मेरे पहले आके बैठ गया गाड़ी के अंदर। इसका काम ही दोस्तों ऐसा है, ये क्यों डाल दिया, निकालिए चलो तो निकलते, चलो अभी जो है निकलते, चलो ए रसली गिर गया। अभी जो है कि दोस्तों एक ही दिक्कत है, अभी वो बुल जो है कि गाड़ी के अंदर जाता है या नहीं वो पता नहीं है, और यहाँ पे जो है कि इतने आजू बाजू में सिर्फ इतना एक ही कांकरेज बुल है, इसके अलावा कोई कांकरेज बुल है ही नहीं, मैं आपको बता दूँ। इतना घूम के जो है कि हमें ब्रिज पे आना पड़ा, अभी यहाँ से वो साइड उतरना है, अभी ये लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का ब्रिज है। पहली बार हाँ बीच में से रास्ता है, लेकिन बोलेरो गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ बाइक जाती। फाइनली जो है कि दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, और अभी जो है कि हम आपको मोर की माँ दिखाएंगे। रत्ना पे वो इधर आ रही है, देखो ये कांकरेज का ये प्रॉब्लम होता है, सामने आ रही है वो भी कांकरेज ये वाली, लेकिन क्रॉस है वो। मोर की माँ कौन सी, मोर की माँ कौन सी, ये अगले वाली के उसके पीछे। दोस्तों देख सकते हो ये वाली जो है कि मोर की माँ है, क्रॉस में कांकरेज है, प्योर कांकरेज नहीं है। बुल कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो है कि दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक दो ब्लॉग में बताया है, इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि आपने जो है कि कांकरेज बुल देखा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा था, और सूरज भाई को भी याद नहीं आ रहा था, नहीं तो कांकरेज बुल जो है कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। और इतने इलाके में भाई कांकरेज बुल यहाँ पे एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई कांकरेज बुल है नहीं। ये भी जो है कि क्रॉस में है, ये भी कांकरेज ही है, लेकिन ये क्रॉस में है, देखिए ये वाली, ये जो है कि दोस्तों मोर की छोटी बहन है। आप देखिए इसका कलर ऐसा कैसे आ गया भाई, ये मोर की छोटी बहन है, ये कांकरेज नस्ल की है सब। हाँ इसमें जो है कि इस झुंड में जो है कि आपको कांकरेज नस्ल ज़्यादा दिख जाएंगे। हाँ ये जो है कि भाई मोर की, मैं मोर की बहन समझ रहा था, लेकिन ये मोर की बहन नहीं है, ये दूसरी गाय की है। और ये देखो ये और मोर जो है कि दोनों सेम ही उम्र के हैं, लेकिन ये जो है कि थोड़ी ऊंचाई में बड़ी है, और इसकी हाइट बढ़ेगी लेकिन उसकी नहीं बढ़ेगी। और अभी जो है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कांकरेज बोल, और इन्होंने जो है कि भाई बैल भी रखे हैं, ये रहा उनका बैल, और एक दूसरा वहाँ पे है देखिए, ये रहा बड़ा, ये सुरेश भाई इधर देख रही है यार, इसको भी लेके चलते। ये मोर की बहन के, हाँ एक जो है कि भाई उन्होंने रखा है देसी बुल, ये देखिए कान बीन अच्छे है इसके, हैं सुरेश भाई बढ़िया है यार ये। चलो अभी जो है कि दोस्तों गाड़ी जो है कि वहाँ पे लगाते हैं, और ये कांकरेज देखो दोस्तों, ये है मोर की बहन समझ रहा था, लेकिन ये दोस्तों मोर की बहन नहीं है, लेकिन इसका कलर जो है कि भाई अपनी मोर से बेस्ट कलर है भाई इसका। सूरज भाई इस कांकरेज का कलर देख कैसा है, एकदम जबरदस्त लग रही है ना, अगर ऐसी कोई ब्लैक मिल गई ना भाई मजा आ जाएगा। दोस्तों ये रहा बुल, ये रहा कांकरेज बुल दोस्तों, और इसको जो है कि हमें लेके जाना है, यही अगर ब्लैक कलर में या व्हाइट कलर में होता तो जबरदस्त दिखता दोस्तों। रत्ना भाई के पास जो है कि लगभग गाय जो है कि क्रॉस में कांकरेज है, और अभी मैं आपको बता दूं इसका या इरादा कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और इसका भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तीनों जो है कि मुझे घूर रहे हैं, ये देखो ये देखो, इसका भी इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा निकलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कांकरेज जो होती है ना भाई, ये गाय जो है कि बहुत फुर्तीली होती है, और डायरेक्ट जो है कि सीधी अटैक कर देती है, और इनके सिंग भी एकदम नुकीले होते हैं, वो देखो इसके सिंग कैसे अपने कांकरेज बोल के, ये देखिए है ना एकदम बढ़िया, यही अगर ब्लैक कलर में होता तो दोस्तों एकदम जबरदस्त बढ़िया लगता। कमेंट करके हमें दोस्तों बताना कि आपको बुल का कांकरेज बुल कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके हमें जरा बताओ। ये तो तार ओळखी तो लगे पाको, एम तो हाँ उर्दू लगे ने, तन ओळखे हमरे न ओळखे नहीं, तो उसको पहचानते हो, हमें तो पहचाने का भी नहीं। ये
ये तो अच्छा है भाई, चल रहा है, गाड़ी में चढ़ेगा तब जाके पता चले। ऐसा कौन जलाता है भाई? डायरेक्ट माथी हो जा। क्या बात है, बंद है ना, बंद एकदम हर दिन में। तो जो कूद को मारा ना, फिर बंद दो। मार के सूर्य नाक दिया नहीं दिया, सूर्य कांडो तोड़ नाक से दियो। लक्षासन बैंड दूं। पानी न भरो ने आगे तेरे उभू थाई। भाई क्यों है ने? उभू थे। कुत्ता मारी। बंद है हाँ? हाँ कपाई। भाई ये तो खतरनाक बंदा है भाई। इधर उधर भगता है ये तो, ऊपर से छलांग भी मारने की कोशिश कर रहा है। नाटक नहीं, नाटक नहीं। तो फाइनली जो है कि दोस्तों अभी घर पे पहुंचने वाले हैं। मुझे डर था कि भाई ऊपर छलांग ना लगा, क्योंकि एक बार उसने लगा दी थी ऊपर छलांग। कंट्रोल थोड़ा ही दूर रहा है, कंट्रोल उसका कुछ भरोसा नहीं दोस्तों। ये दूसरे जो बुल होते हैं ना दोस्तों वो अच्छे भाई, ये बुल जो है ना भाई, ये नस्ल का बुल हो या गाय हो भाई, खतरनाक फुर्तीले होते हैं, ये छलांग भी लगा सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे बांध के रखा है उसको, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं था भाई। बहुत डर लग रहा था मुझे, मैंने बोला था छलांग ना मार दे। फिलहाल जो है कि हरी भाई ने तो पूरी गाय बांध दी है।